नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अपराध की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में, क्राइम डेफिनेशन एंड नेचर। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपराध एक आवश्यक बुराई है। सृष्टि की रचना के साथ ही इसका अभ्युदय हुआ और जब से अब तक समय समय पर हुए परिवर्तनों के साथ अस्तित्व में है। यह कटु सत्य है कि अपराधों को कम एवं नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि दिन प्रतिदिन अपराधों के नए नए प्रकार अस्तित्व में आ रहे हैं। साइबर अपराध 21वीं सदी की ही देन है। अपराध शब्द जितना प्रचलित है, उसकी परिभाषा दिया जाना उतना ही कठिन है। अब तक उसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकी है। यहाँ कुछ विधिवेत्ताओं की परिभाषाएं दी जा रही हैं, जो निम्नवत हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं जानते हैं। नंबर एक है विख्यात अपराध शास्त्री गिलन के अनुसार। गिलन के अनुसार जो है अपराध की परिभाषा दी गई है। गिलन कहते हैं, अपराध एक ऐसा कृत्य एवं दुराचरण है जो समाज के लिए हानिकारक एवं स्थानीय विधि का उल्लंघन है। ब्लैक स्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य या कार्यलोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया जाता है तथा जो राज्य द्वारा निषिद्ध है। गैरोफेलो के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो मानव की दशा एवं न्यायिकता की भावनाओं पर प्रहार करता है। नंबर चार, क्रास एवं जोन्स के शब्दों में, अपराध एक ऐसा विधिक अपकार है जिसके उपचार के तौर पर राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। सदरलैंड के अनुसार अपराध मानव का एक ऐसा आचरण है जिससे आपराधिक विधि का उल्लंघन तथा अतिक्रमण होता है। नंबर पाँच, टेफ्ट के अनुसार अपराध की परिभाषा दी गई है। टेप्ट कहते हैं, अपराध एक ऐसा कार्य है जिसका किया जाना दंड विधि के अधीन निषिद्ध है तथा किए जाने पर दंड विधि द्वारा दंडनीय है। नंबर छः, स्टीफन की शब्दों में, स्टीफन के अनुसार जो है अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से है जिसका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से है। हेल्सबरी कहते हैं, अपराध लोकहित के विपरीत एक ऐसा अवैध कृत्य है जिसे कारित करने वाले को विधि अनुसार दंडित किया जाता है। ऑस्टिन के मत में अपराध भी अवैधानिक कार्य हैं जिनके शाब्दिक हो जाने पर न्यायालय द्वारा अपराधियों को दंड दिया जाता है और ऐसे दंड में कमी करने का एकमात्र अधिकार राज्य का होता है। पॉल डब्ल्यू टेफिन के अनुसार अपराध ऐसा आश्रित कार्य या लोप है जो दंड विधि के अतिलंघन में किया गया है हो और जिसके पीछे विधि द्वारा स्वीकृत कोई बचाव अथवा न्यायानुमत ना हो। मिलर के अनुसार अपराध वे कृत या अपकृत हैं, उल्लंघन कार्य हैं जिनको विधि समादेशित या निर्देशित करती है तथा उन उल्लंघनों को राज्य अपने नाम से कार्यवाही करके दंडित करती है। कैनी के अनुसार अपराध वे अवैधानिक कार्य हैं जिनके बदले में अपराधी को दंड दिया जाता है और वे क्षम्य नहीं होते। यदि
क्षम्य होते भी हैं तो यह अधिकार केवल राज्य को है। बेंथम के अनुसार अपराध से अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जिन्हें विधायिका द्वारा अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया जाता है। यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित हैं तब ऐसे कार्यों को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। थॉमस के अनुसार क्राइम इज एन एक्शन विच इज एंटागोनिस्टिक टू द सॉलिडरिटी ऑफ दैट ग्रुप विच द इंडिविजुअल कंजस्टर एज हिम ओवन। पेटन के अनुसार इन क्राइम वी फाइंड दैट द नॉर्मल मार्क्स आर दैट द स्टेट हैज पावर टू कंट्रोल द प्रोसीडर टू रेमिट द पेनालिटी और टू इन्फ्लेक्ट पनिशमेंट। लक्षण उपरोक्त परिभाषाओं से अपराध के निम्नांकित लक्षण परिलक्षित होते हैं। का अपराध एक अवैध कार्य या लोप है। खा यह विधि द्वारा निषिद्ध है। गा यह विधि द्वारा दंडनीय है। घा यह किसी व्यक्ति के वैध अधिकारों का अतिक्रमण है। अंगा यह सामाजिक विषयों के प्रतिकूल है। तथा चा इसमें राज्य की ओर से और अपने नाम से अभियोजन चलाया जाता है। इस प्रकार अपराध का मुख्य लक्षण है ऐसा कार्य अथवा लोप जो विधि द्वारा दंडनीय हो। यदि कोई कार्य अथवा लोप जो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो विधि द्वारा दंडनीय नहीं है तो उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में गांगुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में का ना तो इसकी परिभाषा दी गई है और ना ही इसे दंडनीय बनाया गया है। अपराध एवं दुष्कृति में अंतर। यहाँ अपराध एवं दुष्कृति के बीच अंतर को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा क्योंकि यह दोनों एक जैसे लगते हैं अथवा अपकार्य की श्रेणी में आते हैं लेकिन इसके अंतर्गत है। यथा पॉइंट नंबर एक अपराध एक आपराधिक अपकार्य क्रिमिनल रोंग है जबकि दुष्कृति एक सिविल अपकार सिविल रोंग है। पॉइंट नंबर दो कहता है अपराध से संपूर्ण समाज प्रभावित होता है अर्थात इसका समाज के लोक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है जबकि दुष्कृति का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के सिविल अधिकारों पर पड़ता है। पॉइंट नंबर तीन कहता है अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार स्वयं पीड़ित व्यक्ति को होता है या फिर राज्य स्टेट को जबकि दुष्कृति का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के सिविल अधिकारों पर पड़ता है। पॉइंट नंबर तीन कहता है अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार स्वयं पीड़ित व्यक्ति को होता है या फिर राज्य को। पॉइंट नंबर तीन कहता है अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार स्वयं पीड़ित व्यक्ति को ही होता है या फिर राज्य को जबकि दुष्कृति के विरुद्ध कार्यवाही किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। पॉइंट नंबर चार कहता है अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड शारीरिक अथवा आर्थिक कारावास एवं जुर्माने के रूप में कैसा भी हो
हो सकता है जबकि दुष्कृति में केवल धन के तौर पर क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अपराध में आशय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जबकि दुष्कृति में इसका होना आवश्यक नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अपराध में अपराधी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है जबकि दुष्कृति में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना मुख्य उद्देश्य होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।